520 करोड़ रुपया जिहड़े साडे दलित परिवार सीगे उहनां दा छोटा मोटा किसदा 15,000 किसदा 20,000 वह करजा माफ करे। तुहानूं मैं मोटियां मोटियां गल्लां दस रिहा, इन्नियां क ज़्यादा अचीवमेंट ने एक महीने के चन्नी साहब जी, मैं तो तुहानूं दस्सो तो सौंदा ही नहीं बंदा। मैं समझता सी कि मैं बड़ा जनूनी हाँ, वह तो साढ़े तो भी बहुत वड्डा जनूनी है। ਤੁਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। लुधियाना गिल हलके तो विधायक कुलदीप वैद नूं पंजाब कांग्रेस विच कैबिनेट रैंक मिल गया। उन्हां नूं वेयर हाउस का चेयरमैन कम डायरैक्टर नियुक्त किया गया, जिसनों लैके ओह बागो बाग ने अते मुख्यमंत्री चन्नी दियां तारीफां कर रहे ने। कुलदीप वैद नूं जदों सवाल पुछया गया कि आउंदियां विधानसभा चोणां विच मुख्यमंत्री दा चेहरा कौन होणगे, तां उन्होंने कहा कि इस गल विच कोई दो राय नहीं है कि लोकां दी पसंद चरणजीत चन्नी बन रहे ने, इस करके आउंदियां विधानसभा चोणां विच मुख्यमंत्री दा चेहरा उही होणगे। उन्होंने कहा बाकी हाईकमान ही फैसला करदी है, पर 100% चन्नी ही मुख्यमंत्री दा चेहरा होणगे। इस दौरान उन्होंने जदों भोआ के विधायक जोगिंदरपाल वालों एक व्यक्ति की कुटमार करने संबंधी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे कोई जानकारी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर वालों नवी पार्टी बनाए जाने उन्होंने कहा कि लोकतंत्र विच पार्टियां बनाउणा अते पार्टियां नाल गठजोड़ करना सब दा अधिकार है, कोई भी कर सकता है, वड्डियां वड्डियां सरकारां गठजोड़ नाल बनदियां ने। इस दौरान उन्होंने अकाली दल ते भी निशानी सन्नी अते कहा कि अकाली दल दी 10 साल दी कारगुजरी तो सारे वाकिफ ने। उन्होंने यह भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर दे नवी पार्टी बनाउन नाल कांग्रेस ते कोई असर नहीं पवेगा। इस दौरान जो उन्होंने सुखबीर बादल ने लगातार लुधियाना अंदर दौरे करन अते नवजोत सिंह सिद्धू दे लोकां विच ना विचरण संबंधी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह नवी जथेबंदी का गठन कर रहे ने अते उस लई समां चाहिए है। और इस विधायक कुलदीप वैद का की कहना सी तुसी आप सुनो। पुलिस की बाइट है ध्यान 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 है बहुत ही होनहार चीफ मिनिस्टर पंजाब के बने, मैं धन्यवादी हाँ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का। साढ़े 2 किलोवाट तक बिल बिजली दे बिल्कुल माफ कर दिते, ये साड़ी प्राप्ति बहुत वड्डी प्राप्ति। पानी दे बिल माफ कर दिते ने चन्नी साहब ने, जिहड़ा पीण वाला पानी है पिंडां दे विच सरपंचां दे कोले पंचायतां दे कोले पैसे आ जाने आ मेंटेनेंस वास्ते, कि जिहड़ा स्टाफ उत्थे पंप ऑपरेटर रखे आ जां जिहड़ा भी कोई खर्चा हुंदा, किसी साडे भैण भरा नूं सारिआं वास्ते कोई पानी का बिल नहीं देना पएगा। 25,000 तक साडा कोई छोटा कर्जा सी जिमीदारां दा, ओह माफ कर दित्ता। ਅਤੇ 520 करोड़ रुपया जिहड़े साडे दलित परिवार सीगे उहनां दा छोटा मोटा किसे दा 15,000 किसे दा 20,000 वो करजा माफ करे। तुहानूं मैं मोटियां मोटियां गल्लां दस रिहा, इन्नियां क ज़्यादा अचीवमेंट ने एक महीने के चन्नी साहब दी, मैं तो तुहानूं दस्सो तो सौंदा ही नहीं बंदा। मैं समझता सी कि मैं बड़ा जनूनी हाँ, वो तो साढ़े तो भी बहुत वड्डा जनूनी है। देखो वो उत्ते वर्क काम हो रहा, वो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा,
चन्नी साहब ने तो चीफ मिनिस्टर साहब ने तो बिल्कुल क्लीयर इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, वो तुम थोड़े दिन रुक जाओ, वो मुद्दा बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। सुखबीर बादल कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी लगातार नवे नवे नींह पत्थर रख रहे हैं, वे वे उद्घाटन कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि ये पूरे नहीं होने क्योंकि दो महीने बाद कोर्ट लग जाना है, सरकार जी अगली बनेगी उसमें भी पूरे करने पैणगे, इस करके यदा कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं चलो श्रोमणी अकाली दल का तो बेस जोड़ा थानू पता है वो कितने का, वो तो ऑलरेडी हाशिए से आ चुके हुए हैं, लोगों के उन्होंने कि एक्सैप्टेबिलिटी वो भी सानू पता दसन की जरूरत नहीं। आ जे 15 का घटनाक्रम आ सब तो व्डा तुम देखो ये काले कानून बने, 5 जून तो लैके 17 सितंबर तक श्रोमणी अकाली दल ने यह कानून के जो राग लापे जो कि तो सारी दुनिया को पता दसन की की जरूरत है, तुम मैं दसो वो थानू भी पता, सारे इलाके के लोग बैठे हैं सबनों पता। तुम देखो ना मैं एक गल अक्सर कहना हूं, श्रोमणी अकाली दल कहूगा कि जी असी जी सैक्रीफाइस करता बीजेपी नालों नाता तोड़िया मिनिस्ट्री तो रिजाइन करता, मैं तुहानू सवाल पूछना ये सैक्रीफाइस है? नो नो नो, उन्होंने तो यह सारा कुछ जो किसान विरोध करन लग गए वो तो उन्होंने अपनी होंद बचाने वास्ते किया, किसी ते की आसान है ना, मिनिस्ट्री छड़ दे ना यू टर्न लेंदे। मैं फिर भी उन्होंने धन्यवाद किया कि चलो किसानी वास्ते चाहे वह ये अपनी होंद बचाने लिए आए आए तो सही ना किसानी हक। वैसे पठानकोट के हलका भोआ के विधायक जोगिंदर सिंह राती प्रॉब्लम के किस तरह ने पिंड वाले पूछे कि पिंड ने की किया, उस तो बाद एक वीडियो वायरल हो रही है कुटरे ने दलित व्यक्ति से जो सवाल किया कि उस तो बाद एक वीडियो वायरल हो कुटरे ने व्यक्ति। देखो योजना जीडिया इंडिविजुअल घटना करना ना वो बारे आप अच्छ ना गल करिए, मैं वो स्टोरी का भी नहीं पता कि होया कि नहीं होया। आप जन 2 महीने बाद इलेक्शन दे अलामा तो नहीं लाया चन्नी जी बना के 2 महीने बाद चेहरा तो नहीं बदल जाऊगा? मैं एक गल दसो, पंजाब का चीफ मिनिस्टर लाया है साड़ी हाई कमांड ने, कोई छोटी जी गल है? मैं एक गल मैं तुहानू सवाल पूछना, ये कोई ये थोड़ी है भी मैं आप बंदा आया आ ला के मैं करता था कर, ऐसा नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर बहुत वड्डी गल होंदी है, तुसी देखो चन्नी साहब के कमां की लिस्ट, तुहानू माण होना चाहिए, सवाल तुसी जिहड़े मर्जी पुछो तुहानू माण होना चाहिए सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ते हिंदुस्तान के हुण तक दे जिन्ने चीफ मिनिस्टर होए सारिआं नालों वध पढ़िया लिखिया चीफ मिनिस्टर आ साडा। रिपीट करांगे कहें जी इसीलिए कह रहे 2022 रिपीट 100% रिपीट करांगे। वैसा 100% वैसा बीती रात लगातार जिहड़े पार्टी दे फैसला भी तुहाडी अपनी वैसा नवीन ये लोगों का फैसला है, पार्टी का नहीं ये लोगों का फैसला। देखो ये जिंदगी का जो साइकल देखो 100% सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साडे प्रधान ने, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साडे चीफ मिनिस्टर ने, सारी दुनिया नूं पता है प्रधान का की काम है तो चीफ मिनिस्टर का की काम है, तुहानू सारयां नूं सामने आ जाना। देखो ये फतवा लोगों ने देना, ये फतवा लोगों ने देना, देखो कांग्रेस का एक कल्चर है वो तुहानू भी सारयां नूं पता, हाई कमांड डिसीजन लैंदी है, लेकिन अगर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी नूं हाई कमांड ने चीफ मिनिस्टर बनाया कोई सोच के ही बनाया ना, वो तो हुण बनाता ना, 2022 की गल कर रहे हैं, चेहरा होगा कि नहीं? 100% होगा, क्यों नहीं होगा? ये हाई कमांड का फैसला, देखो ये लोगों का फैसला, हाई कमांड जो डिसीजन लेगी लेगी। मैं अज थानू किदा कह सकदा कि जी हाई कमांड का अज का फैसला तुहाडे सारयां दे सामने है, लोगों ने फतवा देना कि की होना की नहीं होना, ये डेमोक्रेसी है। बीती रात रविंद टुकराल ने कुछ और ट्वीट किए हैं पंजाब की सियासत को लेकर, वो कह रहे हैं कि जल्द हो सकता है नवी पार्टी बनेगी तो हो सकता है बीजेपी नाल भी जो समझौता करना पड़ा, सैकुलर शब्द की एक वास्ते उन्हें इस्तेमाल किया है कि बीजेपी जड़ी है। देखो मैं बड़ी खुशी है, हर एक इंसान को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी बनाने का हक है, चाहे वह कैप्टन साहब बना चाहे ABCD कोई बना बना सकते हैं, पार्टी अच्छी गल है चंगी गल है, उन्होंने किनू किनू नाल लैना कि अलायंसिस नहीं होंगे, UPA NDA किनिया पार्टियां NDA च ने किनिया पार्टियां UPA च ने। देखो मैं फिर बार बार कहना ये फैसला तो लोगों ने करना जो मर्जी कर, बिल्कुल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हें बड़े दावे कहना
ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? 2007-17 ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਆ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਝੁਠਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਲਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।